हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ई श्रम कार्ड आए हुए साल भी नहीं लगा तब तक लुटेरा सब अपना दिमाग लगा के ई श्रम कार्ड के थ्रू लूटना चालू कर दिए। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि लुटेरा सब ई श्रम कार्ड के थ्रू किन नए नए तरीके से लूट रहे और उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये सारा डिटेल जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो कहीं लुटेरा के जाल में आप फंस जाएंगे और आप भी लुटा जाएंगे और आप बर्बाद भी हो सकते हैं, आपके पैसा बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए ताकि लुटेरा सब के जाल में आप ना फंसे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लुटेरा सब ई श्रम कार्ड के थ्रू कैसे लूट रहे हैं उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि लुटेरा सब किन किन तरीके से बैंक से पैसा निकलवा लेते हैं, कैसे लूटते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ओटीपी। ओटीपी ऐसा तरीका है जो कि आज के डेट में सबको पता चल चुका है कि इसके थ्रू लुटाई होता है। बैंक मैनेजर बन के कॉल करेगा और बोलेगा कि आपका डेबिट कार्ड जो है एटीएम कार्ड वो ब्लॉक हो चुका है, आप इसको चालू करवाना चाहते हैं तो उस पर लिखा हुआ का लास्ट 6 डिजिट बताइए और फिर एक्सपायरी डेट बताइए और फिर CVV बताइए। इतना डिटेल्स बताने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, बस उसको बता दीजिएगा तो आपका जो ATM कार्ड है वो रिन्यू हो जाएगा, मतलब वो बंद हुआ था तो फिर से चालू हो जाएगा। तो ये तरीका लगभग सभी लोग को पता चल चुका है कि इसके थ्रू ATM कार्ड रिन्यू नहीं होता है, हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस कट हो जाता है। तो इसके थ्रू जितना भी लुटाई होता है आज के डेट में लगभग 90% कम हो चुके हैं और लोग सब सतर्क हो चुके हैं। तो ये तरीका जब बंद हो गया तो लुटेरा सब दिमाग लगा लगा के दूसरा तरीका भी लॉन्च कर दिया, जो कि है ऐप इंस्टॉल करवा के। एक कॉल आएगा या फिर मैसेज में ही आएगा व्हाट्सएप पे, बोलेगा कि आपका KBC में लॉटरी लगा हुआ है, उसको पाना चाहते हैं तो आपको एकमात्र एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। और वो एप्लीकेशन होता था स्क्रीन शेयरिंग वाला, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएगा और स्क्रीन शेयर का वो परमिशन ले लेगा और जब स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो जिससे इंस्टॉल करवाया उसका स्क्रीन वो लुटेरा देख सकता है और देख ही नहीं सकता है, उसको पूरा के पूरा एक्सेस कर सकता है, चला सकता है। उसके बाद उसका मोबाइल उसके कंट्रोल में और फिर लुटाई तो चालू, किसी भी तरीके से लूट सकता है जब मोबाइल ही कंट्रोल में आ जाएगा उसके। तो ये तरीका भी कुछ लोगों को आज के डेट में पता है और बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है। तो ये भी तरीका समझ लीजिए कि इसके थ्रू भी लुटाई होता है। और जब दूसरा तरीका के बारे में लोगों को पता चलने लगा तो ये तीसरा तरीका भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में 95% लोगों को आज भी नहीं पता है, जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो तीसरा तरीका ये है, किसी भी कंपनी का कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, वो क्या है एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से सामान तो मंगाते ही हैं, ऑर्डर किए और डिलीवरी डेट तक डिलीवर नहीं हुआ, या फिर डिलीवरी से आप पहले लेना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निश्चित सी बात है कि आप कस्टमर में कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आज के डेट में बहुत सारे लोग डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट हेल्पलाइन नंबर, और वहाँ पे जो मोटा मोटा अक्षर लिख के आता है ना वो ऑफिशियल होता है, उस पर कॉल लगाते हैं। अगर नहीं लगा तो उसके नीचे जो छोटा छोटा नंबर लिखा रहता है छोटा छोटा में, उस पर कॉल लगा देते हैं। बताना चाहेंगे कि वो प्राइवेट नंबर होता है, लुटेरा सब अपना नंबर वहाँ पे डाल के रखते और SEO कर देते हैं, और SEO करने के बाद वो ऊपर में आ जाते हैं, उस पर लोग कॉल कर देते हैं और उस छोटे छोटे नंबर पे कॉल करेंगे और आप उसके जाल में फंसते चले जाएंगे। वो बोल देगा कि आपका कैश ऑन डिलीवरी वो प्रोडक्ट है, आप क्या कीजिए कि हमें पैसा भेज दीजिए और हम आपका वो जल्दी डिलीवर करवा देंगे, कल या फिर परसों आपका डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके से भी लुटाई होता है, आज के डेट में भी लोग लूट रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे तरीका से आपको बचना है। आपको कभी भी कॉल करना है ना तो आप गूगल पे जाके सर्च नहीं कीजिए किसी भी कंपनी का, अमेजन फ्लिपकार्ट का बात नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर पे कॉल करना है तो डायरेक्टली उसके एप्लीकेशन में या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। जैसे कि अमेजोन में कॉल करना या फिर फ्लिपकार्ट में, तो इसके एप्लीकेशन में ही ऑप्शन दिया गया, आप मेनू बार पे क्लिक कीजिए और उसके बाद कस्टमर सर्विस
हेल्पलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर उसके थ्रू आप कॉल कीजिएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट में तो सेम प्रोसेस होता है, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में कस्टमर केयर से संपर्क कैसे करते हैं, ये चीज़ वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ऑफिशियल जानकारी मिल जाए कि कैसे ऑफिशियल से कॉन्टेक्ट करते हैं, नहीं तो लुटेरा के जाल में आप फंसते चले जाएंगे। तो अभी तो आपको तीन तरीका बताएं जिस तीनों तरीका की मदद से लुटेरा सब लूट रहे हैं। इन तीनों तरीके के बारे में शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको पता चल गया। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिस पे ये वीडियो बन रहा है, ई श्रम कार्ड के थ्रू लुटेरा सब कैसे लूट रहे हैं, यही तो हमारा टाइटल है और टॉपिक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यही तीनों तरीका के अलावा चौथा तरीका भी ई श्रम कार्ड में लाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस तीनों तरीका के इनबिल्ड किया है, मतलब मिक्स कर दिया है ई श्रम कार्ड में। ई श्रम कार्ड के थ्रू कॉल आ रहा है और बताया जा रहा है कि आपका ई श्रम कार्ड बन गया है बट एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, उसके लिए आपको आधार नंबर बताना है और फिर डिटेल्स लेगा और फिर आपके बैंक से बैलेंस डिडक्ट कर लेगा। और फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे और बताएंगे कि आपका ई श्रम कार्ड बन तो गया है और चालू भी हो गया, पर उस सर्विस को इनेबल नहीं किया गया है जिसके थ्रू आपका पैसा आएगा। यूपी में तो पैसा मिल ही रहा है ई श्रम कार्ड में, तो उस सर्विस को ऑन नहीं किया गया है। उसको ऑन करने के लिए आप अपना डिटेल्स बताइए और जब डिटेल्स बताएंगे तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे। या फिर कुछ ऐसा भी दिमाग लगा के बोलेंगे कि आपका ई श्रम कार्ड बना है, चालू भी है, सर्विस भी ऑन है, बस बैंक में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो उसको करने के लिए आप ये डिटेल्स बताइए, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और फिर एक नया तरीका जिसके बारे में हम बताएं, चौथा तरीका है, वो है घर आके, मतलब घर विजिट करके भी लोग लूट रहे हैं। घर पर आके लूटना, इतना निडर होके लूट रहे हैं, क्या है तरीका वो समझ लेते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए लुटेरा सब घर पे आ रहे हैं और ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। तो दोस्तों बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आप ई श्रम कार्ड बनाने जाएंगे तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू आपका इजीली मात्र 2 मिनट के अंदर में ई श्रम कार्ड बन जाएगा और ई श्रम कार्ड भी आपको मिल जाएगा, जिसको आप किसी भी प्रिंटर से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और जो कार्ड होता है वो फिजिकली आपके घर पे नहीं आएगा आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह, बस डिजिटल आपको मिल गया और प्रिंटर से निकाल के आपको रख लेना है। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आपको एक बार फिंगर से या फिर आइरिस से आपको अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना होगा, एक बार मात्र, चाहे फिंगर से करें या फिर आइरिस से करें, एक बार आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, उसके बाद आपका ई श्रम कार्ड इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं लुटेरा सब घर पे और बोल रहे हैं कि हम इस विभाग से हैं, हम आपका ई श्रम कार्ड बनाने आए हुए हैं, और ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और वो फिंगर से बना रहे हैं, और फिंगर से बनाने के साथ साथ आधार नंबर तो उनको मिल ही जा रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड से ही ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, और उसके बाद बैंक से बैलेंस डिडक्ट कर ले रहे हैं, और लोगों को तो पता चलता नहीं है गाँव में उतना, तो बैलेंस भी डिडक्ट हो जा रहा है और ई श्रम कार्ड बनाए या फिर ना बनाए या फिर फाइनली बना भी देंगे, उनका तो मेन मकसद है लूट लेना। बस इस तरीके से इतना निडर होके लोग यहाँ पे घूम रहे और लूट रहे और लोगों को पता तक नहीं चल रहे। तो हम यहाँ पे एक सवाल करना चाहेंगे कि आधार कार्ड आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबके पास लगभग है, आधार कार्ड इतने दिनों से बनता हुआ आ रहा है, आपके घर पे कोई आया और बोला कि हम आधार कार्ड बनाने वाले हैं, आपका आधार कार्ड नहीं बना है, लाइए हम आपको आधार कार्ड बना देते हैं, ऐसा कोई आया? नहीं आया। पैन कार्ड के लिए कोई आया? नहीं आया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आया? नहीं आया। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए जब कोई आया ही नहीं तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई कैसे आ सकता है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कोई आपके घर पे नहीं आएगा, यहाँ तक कि आपको वोटर आईडी भी बनवाना होगा तो आपको जाके संपर्क करना होगा, ना कि वो आपके घर पे आएगा बोलेगा कि आप बनवा लीजिए। आपको ज़रूरत है तो आप जाइए बनवाने के लिए, उसके पास संपर्क कीजिए जो भी बनाता है। आपके घर पे कोई आ रहा है बनाने के लिए इसका मतलब कोई तो चोचलाबाजी है, ये इस बात का कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, और आपके घर पे आके आपको लूट के लेके चले जा रहे हैं और आपको पता तक नहीं चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए ई श्रम कार्ड कोई आके नहीं बना। हम चाहते हैं कि आपका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो कोई लूट के ना ले जाए, आएगा मिनटों में लूट लेगा, चाहे कॉल पे आए या फिर स्क्रीन शेयरिंग से हो या फिर कोई कस्टमर का हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हो या फिर किसी भी तरीके से लूट सकता है, मात्र 5 मिनट में आपका मेहनत का कमाया 2 मिनट 5 मिनट में चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपका पैसा है, मेहनत का कमाया वो सेफ रहे, आपके पास रहे, क्योंकि उसमें 100% अधिकार आपका है।
बस मेरा यही मकसद है कि आपको गाइड करें कि इन इन तरीके से लोग लूट रहे हैं और इन तरीके से आपको बच के रहना है। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से हमेशा अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।